तो हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम इस फोटो को जो है ऐसा एडिट करने वाले हैं, देख सकते हैं। ये फोटो ऐसा था, बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं कितना अच्छा एडिट हुआ है। अगर आपको भी ऐसा ही एडिटिंग करना है तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपना नाम कमेंट कीजिए। तो इस फोटो को एडिट करने के लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस फोटो को एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको इस फोटो को शेयर कर लेना है स्नैपसीड एप्लीकेशन में। अगर आपके पास स्नैपसीड एप्लीकेशन नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं अपने इस फोटो को शेयर कर लेता हूँ स्नैपसीड ऐप में। तो मैंने अपने फोटो को शेयर कर लिया है स्नैपसीड ऐप में। स्नैपसीड ऐप में शेयर कर लेने के बाद आपको नीचे टूल्स वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर सेलेक्टिव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको अपनी उंगलियों से इस तरीके से जहाँ पर फेस पर ब्लैक ब्लैक हो वहाँ पर इस सर्किल को ला के छोड़ देना है, और इसकी ब्राइटनेस को बढ़ा देना है और थोड़ी सेचुरेशन को बढ़ा देना है, जिससे आपका फेस गोरा हो जाएगा हल्का हल्का। फिर से आपको वही सेम प्रोसेस करना है, टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस सेलेक्टिव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर उसी तरीके से फिर से फेस पे ला के छोड़ देना है और इसकी ब्राइटनेस को बढ़ा देना है। इतना करने के बाद में फिर से आपको टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इसके स्ट्रक्चर को लगभग इतना बढ़ाना है और इसको शार्पनिंग को इतना। फिर आपको नीचे डन वाला ऑप्शन दिख रहा होगा राइट वाला, उस पर क्लिक करना है। फिर से आपको टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और ट्यून इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा माइनस, सेचुरेशन को इतना प्लस, 15+ कर देना है। फिर इसको इतना सा प्लस और हाईलाइट को हल्का सा माइनस और इसको बढ़ा देना है। और फिर जो नीचे राइट वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। फिर इस फोटो को आपको शेयर कर लेना है लाइटरूम ऐप में। अगर आपके पास लाइटरूम ऐप नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं इस फोटो को शेयर कर लेता हूँ लाइटरूम में। और दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना, तभी आपको फोटो एडिटिंग समझ में आएगी। अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मैं इस फोटो को शेयर कर लेता हूँ लाइटरूम ऐप में। तो इस फोटो को मैं शेयर कर लेता हूँ अपने इस वाले लाइटरूम ऐप में। तो दोस्तों, ये रहा अपना लाइटरूम, इस पर क्लिक करना है आपको लाइटरूम पर, देख सकते हैं। अगर ये ऐप आपके पास नहीं है तो आपको इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इसको ओपन करना है। तो मैंने लाइटरूम को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद में आपको इस 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद में एड फोटोज पर क्लिक करना है। फिर आपको फाइल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपने जो फ़ोटो स्नैपसीड से लिया था, स्नैपसीड से डाउनलोड किया है, उस वाली फ़ोटो को शेयर कर लेना है। देख सकते हैं ये रहा वो फ़ोटो। इसको मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यह लाइटरूम में शेयर हो जाएगा। तो यह फ़ोटो लाइटरूम में शेयर हो चुका है, इस पर क्लिक करना है आपको। इस पर क्लिक करने के बाद में ये आपका फ़ोटो आ जाएगा, इस फोटो पर क्लिक करना है। इस फोटो पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर एक लाइट वाला ऑप्शन दिखेगा, इस लाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर मेरा लाइट वाला ऑप्शन, इस लाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसकी कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा माइनस, हाईलाइट को भी माइनस और इसको इतना सा बढ़ाना है और
ब्लैक को भी इतना माइनस और वाइट्स को थोड़ा सा बढ़ाना है। बढ़ाने के बाद फिर आपको आ जाना है इस कलर वाले ऑप्शन पर, इस कलर वाले ऑप्शन पर। फिर आपको वाइब्रेंस को थोड़ा सा बढ़ाना है। बढ़ाने के बाद आपको ये जो मिक्स वाला टूल दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये जो सेकंड कलर दिख रहा है इस सेकंड कलर पर क्लिक करना है। इसकी सेचुरेशन को माइनस करना है और इसको लुमिनेंस को बढ़ाना है, इससे आपका फेस ब्राइट हो जाएगा। फिर आपको इस थर्ड वाले कलर पर क्लिक करना है और इसकी सेचुरेशन को बढ़ाना है। फिर आपको इस ग्रीन वाले पर क्लिक करना है, इसकी सेचुरेशन को -100 और इसको बढ़ाने सेचुरेशन को बढ़ाना है, होल ट्यूब को माइनस कर देना है। इतना कर देने के बाद आपको फिर इस वाले कलर पर क्लिक करना है और इसकी सेचुरेशन को फुल माइनस और इसकी सेचुरेशन को हल्का सा माइनस। और फिर आपको जो ये फर्स्ट वाला कलर दिख रहा है रेड वाला, इस रेड वाले कलर पर क्लिक करना है और इसको इतना ह्यू को इतना रखना है और लुमिनेंस को थोड़ा सा बढ़ाना है। इतना कर देने के बाद आपको इस डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है और आपको क्लैरिटी इतनी बढ़ा देनी है और रिज नेट को माइनस करना है, मिड पॉइंट को भी माइनस। इतना कर देने के बाद आपको इस फेदर को बढ़ा देना है, लगभग इतना बढ़ा देना है। और फिर आपको जो है अपनी फ़ोटो को डाउनलोड करने के लिए इस वाले शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और सेव टू डिवाइस कर लेना है। देख सकते हैं मैं सेव टू डिवाइस कर लेता हूँ। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके अपनी गैलरी में इस फोटो को शेयर कर लेना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर।